Namaste, my name is Harikrishna Natyal. I am from Uttarakhand. I want to thank you, Fabina Group, for giving me this opportunity. And I'm gonna make today cheesy dahi kebab balls. तो यहाँ आइए, अभी हम इसमें डालेंगे. ये मेरे पास बाउल है, यहाँ पे मैं डालूंगा. ये दही है, हमने इसका पानी निकाला हुआ है. ये इसको हैंकर भी होते हैं, ये हमने निकाला. उसके बाद हम इस पर डालेंगे चिल्ली, चॉप चिल्ली फाइन कटी हुई. उसके बाद डालेंगे कैप्सिकम फाइन कटा हुआ. उसके बाद डालेंगे हम कोरिएंडर लीव्स. एंड इसकी बाइंडिंग के लिए हमें कि ये फटे ना, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे पोटैटो है मेरे पास, ग्रेट किया हुआ पोटैटो. और थोड़ा पनीर डालेंगे इसमें. और इसके बाद डालेंगे हम इसमें चीज़, जो इसका बेस है, हमने इसको चीज़ नाम दिया है, तो इसमें हम चीज़ डालेंगे बहुत सारा. ओके, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा, इसके बाइंडिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा डालेंगे हम भुना हुआ मैदा. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से. इसको तब तक मिक्स करना जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तभी जाके इस पे सारे इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर आएगा. और इसमें हम डालेंगे थोड़ा ब्रेड कम, इसका क्रिस्पीपन लाने के लिए. और इसको मिक्स करेंगे साथ में. इसके बाद हम इसे फ्राई करने वाले हैं, क्रम फ्राई. इसके अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम करेंगे इसकी सीजनिंग. सीजनिंग में डालेंगे हम सॉल्ट डालेंगे, इस पर डालेंगे इलायची पाउडर डालेंगे थोड़ा इसका फ्लेवर के लिए, थोड़ा डालेंगे इसका चिल्ली पाउडर और इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे. उसके बाद हम इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें. अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसको यहाँ पे ब्रेड कम करने वाले. ये मिक्स हो गया है अच्छे से. अब हम इसके बाद ब्रेड कम है मेरे पास. अब मैं इसको यहाँ पे गोले बनाऊंगा. और मेरे पास मैं स्पून लेता हूँ. इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लूँगा, एक छोटे छोटे मतलब बॉल्स के उसमें लूँगा. ये है, हम इसको छोटे छोटे उसमें ले लूँगा. इसके बाद हम इसके बॉल्स बनाने वाले हैं. ये हमने जो ले लिए हैं इसको हो गया है यहाँ पे. अब हम इसको यहाँ पे क्रम करेंगे. इसको हम क्रम करके इसके बॉल्स बना के इधर रखने वाले प्लेट पे. और इसको ये क्रम करने के बाद एक बार फिर से हम इस पे इसकी कोटिंग करेंगे. फिर से इसी में इसको वो करेंगे जिससे ये फटे ना. तो हमने अब ये सारे क्रम कर लिए हैं. अभी ना हम करेंगे फ्राई हल्की आंच में. ज़्यादा आंच में करेंगे तो ये फट सकते हैं. तो ये हमारे यहाँ पे ऑयल है, ऑयल मैंने गरम कर रखा है पहले से. अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे बॉल्स बने हुए हैं, इनको हल्का ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन कलर आने तक जिन्हें हम यहाँ पे फ्राई करेंगे. देखिए
जब तक कलर ना कलर नहीं आ जाता लाइट ब्राउन तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए क्विक रेसिपी है ये, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बॉल्स बहुत ही अच्छे दिखते हुए गोल गोल। देखिए इन पे कलर आने लग गया थोड़ा थोड़ा। हेलो, जो हमने यहाँ पे बनाए वो हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे एक कलर आ चुका है इन पे, हम इनको इनको निकाल देंगे। अब ये वाह क्या कलर है इनका, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग करने वाले हैं। हमारे पास है इस पे, ये यहाँ पे प्लेट है, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग फर्स्ट पहले मैं थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड बनाऊंगा इसके लिए। जो मेरे पास है थोड़ा यहाँ पे कैरेट है, कैरेट है यहाँ पे स्लाइस कटा हुआ, प्याज है और मूली है, कैबेज है, कोरिएंडर है, और इसको हम अब मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा, इसमें हम थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल डाला और इसमें डालेंगे हल्का सॉल्ट, डालेंगे थोड़ा चिल्ली, और हम इसमें डालेंगे लेमन जूसी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते रहो। तो अब बारी है प्लेटिंग की, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारे ये चीज बॉल्स है, यहाँ पे देखिए कलर, देखिए इनका ब्राउन बहुत ही खूब कलर आ चुका है इनका। तो हम अब इनकी प्लेटिंग करने वाले हैं। देखिए ये है, और जो हमने ये बना रखा है यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड, हम इसको यहाँ पे रखने वाले हैं। ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे इसके साथ, और यहाँ पे इसका हमने पहले से तैयार की हुई ग्रीन चटनी है। इसमें गार्लिक है, कोरिएंडर है, और गार्लिक कोरिएंडर अनियन है, टमाटो है, ग्रीन चटनी बनी हुई है। हम इसको इसके साथ वो करेंगे। इसके बाद ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए वाह ये चीज़, ये देखो आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये रेडी है मेरा चीज़ी दही कबाब बॉल से रेडी है। तो आप इसको इजी घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेशन जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।